फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आर्यन और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एसडी कार्ड में अपने ऐप्स वगैरह कैसे सेव कर सकते हैं जो आपके इंटरनल मेमोरी में जाते हैं। सो गाइस, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनकी इंटरनल मेमोरी भर जाती है और वो आगे ऐप्स वगैरह डाउनलोड नहीं कर सकते। सो गाइस, मैं आज आपको ये बताऊँगा कि आप जितने भी ऐप्स वगैरह उन्हें एसडी कार्ड में कैसे सेव कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अपनी सेटिंग ओपन करें। सेटिंग्स में आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आता है स्टोरेज एंड यूएसबी। अब गाइस, स्टोरेज एंड यूएसबी वाले ऑप्शन में जाएं। उसके बाद आपने जो जितने भी जीबी का मेमोरी कार्ड डाल रखा है आप उस पर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सैमसंग का डाल रखा है, सैमसंग एसडी कार्ड डाल रखा है। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो साइड गाइस इसमें साइड में एक ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। अब ये सेटिंग्स में इसमें आ रहा है फॉर्मेट एज इंटरनल। इसका मतलब है गाइस, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो जितने भी ऐप्स वगैरह हैं वो सारे इसमें आके सेव होंगे और ये मेरा एक तरीके से इंटरनल मेमोरी का काम करेगा। सो गाइस, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका एक इंटरनल मेमोरी की तरह काम करेगा और ये आपका वो बन जाएगा। अब गाइस, फॉर्मेट एज इंटरनल स्टोरेज, यहाँ पे सब कुछ लिखा रहा है कि अगर मैं इसे इरेज कर दूंगा आपको फर्स्ट टाइम अपने मेमोरी कार्ड को इरेज करना पड़ेगा और पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका एक तरीके से बिल्कुल फोन स्टोरेज का काम करेगा और आप इसे बाद में एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आप जितने जीबी का मेमोरी कार्ड पुट करते हैं अपने मोबाइल में तो उतना ही वो एक्सपेंड हो जाएगा। सो गाइस, बस अब आप अगर इस इरेज एंड फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे तो जितने भी ऐप्स वगैरह हैं वो आपके एसडी कार्ड में आके सेव होंगे। सो गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू वेरी मच। Up with it, girl. Rock with it, girl. See ya. Show them it, girl.